हेलो किड्स, आज मैं आपके लिए समर की एक बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं कि देखिए जिसको हम बिस्किट की हेल्प से रेडी करेंगे और ये बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको अपनी मम्मा की हेल्प की नीड होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैम ने एक ओरियो का बिस्किट लिया है, इसको हम स्लोली स्लोली थोड़ा सा क्रश करेंगे। हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, ये देखिए पीछे से क्रश हो चुकी है। अब यहां से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें आइसक्रीम स्टिक मिक्स करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद आप इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं और ऐसे जो है हम इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक फिक्स करेंगे और इसको 2 आवर्स के लिए फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। इसके सेट होने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, तो इसको हम 2 आवर्स के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। और फ्रीजर में से निकालेंगे हम इसको। और इस तरह से ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। इसको हो थोड़ा सा और यम्मी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चॉकलेट मेल्ट की है और कुछ पीनट्स। इस पीनट्स को चॉकलेट के अंदर ऐड कर देंगे। चॉकलेट्स के अंदर कुछ हमने पीनट्स ऐड किए हैं, आप ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो हमारी आइसक्रीम है इसको इसके अंदर डिप करेंगे ताकि अच्छे से चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर इस तरह से जो है चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। अब इसको हम 2 और 3 मिनट्स के लिए एक बार फिर से फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी है। तो आप इसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और मैम के साथ शेयर करेंगे कि आपको ये रेसिपी